जंगल का राजा पार्ट 1। एक बार की बात है, तीन दोस्त रात में जंगल में शेर देखने के लिए गए थे। एक लड़के का नाम था राम, दूसरे लड़के का नाम था लॉकी और तीसरे लड़के का नाम था मिकी। लॉकी और मिकी दोनों भाई भाई थे और राम उनका एक स्कूल का दोस्त था। तीनों मिलकर एक टेंट तैयार करके और आग जलाकर एक कैंप लगाकर वहाँ पे रह गए शेर दिखने के लिए। बहुत अंधेरा हो गया था तो वो तीनों डिसाइड करने लगे और राम ने कहा कि लकी मिक्की, आप और कितनी देर जगेंगे? हम बहुत अंधेरा हो गया है। सच्चे भाई, बहुत अंधेरा हो गया है और मुझे नींद भी आ रहा है, मैं सोने जाता हूँ। तभी मिकी सोने चला गया और राम भी आग के पास सो गया। लकी बहुत ही जिद्दी था, वो बिना शेर को देखकर सोने नहीं जाऊंगा बोल रहा था। तभी थोड़ी देर के बाद कुछ आवाज़ सुनी। ये तो जैकल का साउंड है, अब शेर भी यहीं कहीं होगा। उसने दोनों को उठाया लेकिन दोनों गहरी नींद में सो गए थे। तब लकी ने खुद जाने का ही फैसला किया और वो चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद एक नदी मिला, उसको पार करने के बाद एक बड़ा बड़ा पैर के निशान मिला उसे। उसे देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि वो कभी इतना बड़ा बड़ा पैर के निशान नहीं देखा था। वो सोचने लगा कि ये तो कोई जानवर का नहीं हो सकता। तभी उस निशान को फॉलो करके उसने दो घर देखा। वहाँ पे उसने एक बड़ा घर था और एक छोटा सा था। उसने बड़ा घर के अंदर गया। तभी मिकी उठ गया और राम को सोया हुआ देखा और लकी लकी बोलकर चिल्लाने लगा। उसे सुनकर राम भी उठ गया और दोनों मिलकर उसे पुकारते हुए गए, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। दोनों डर गए थे बहुत। अभी के लिए तो बस इतना ही। पार्ट 2 में देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। स्टोरी के हेडलाइन में तो जंगल का राजा लिखा हुआ है, तो जंगल का राजा कौन बनेगा, इसलिए स्टोरी को पूरा देखना ना भूलिएगा। पार्ट 2 जल्दी ही आएगा और प्लीज सभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार मिलेंगे पार्ट 2 में, तभी के लिए बाय।